आज हम यहाँ पर वर्नरस थ्योरी ऑफ़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वर्नर जो है कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करी जैसे कि यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस ये पहला कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कोबाल्ट का इसके अंदर कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो सिक्स मोल्स ऑफ एमोनिया के साथ में यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स जो हम देख रहे हैं वो बना रहे हैं ठीक है थीके? इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो कलर कैसा है यहाँ पर येलो कलर का ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है अगर यहाँ पर आ, ये देखें कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने मोल्स ऑफ ए जी सी एल मोल्स ऑफ ए जी सी एल इसके साथ में सिल्वर क्लोराइड के आ, साथ यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास रिएक्शन के अंदर ठीक है एक मोल कंपाउंड लिया हमने और कितने मोल्स यहाँ पर ए जी सी एल के बनेंगे और उसके बाद एक जो कॉलम आ रहा है यहाँ पर वो है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी किस तरह की शो कर रहे हैं ये फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड में क्या होगा और आयंस का नंबर जो है यहाँ पर कितना मिल रहा है ठीक है अब इसके अंदर यहाँ पर जो मोल्स ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट आउट हुए अगर कोबाल्ट का ये वाला कॉम्प्लेक्स uh, लेंगे तो थ्री मोल्स इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व करे कि थ्री मोल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं ठीक है और कंडक्टिविटी की जो रेशो है यहाँ पर वो वन इज़ टू थ्री इलेक्ट्रोलाइट में मिल रही है ये सभी मैं आपको अभी समझाती हूँ यहाँ पर कि क्या मतलब है इसका वन इजू इस तो थ्री इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पर कंडक्टिविटी मिल रही है फॉर्मूला जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फार्मूला बनेगा सी ओ एन एच थ्री सी ओ एन एच थ्री होल सिक्स टी प्लस डी क्लोराइड के आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है और टोटल नंबर ऑफ़ आयंस हमें यहाँ पर सॉल्यूशन uh, के अंदर कितने मिले हैं टोटल नंबर ऑफ़ आयन सॉल्यूशन में कितने मिले हैं फोर अब इसका जो यहाँ पर टोटल कंपाउंड uh, में ये सारी ऑब्जर्वेशनस आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं ये देखो सबसे पहले कोबाल्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर जिसमें तीन क्लोराइड और छह एमोनिया के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ये येलो कलर का कंपाउंड है अगर यहाँ पर एजीसीएल के साथ में रिएक्शन करी तो ये थ्री मोल्स ऑफ एजीसीएल जो है यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट आउट करेंगे थ्री मोल्स ऑफ एजीसीएल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर थ्री मोल्स ऑफ एजीसीएल में केवल तीन ही यहाँ पर क्लोराइड आयंस जो है वो अवेलेबल होंगे जो एज आ ए जी सी एल प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और उन तीन क्लोराइड आयंस को हमने यहाँ पर इस तरह से कॉम्प्लेक्स में लिखा है जैसे कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जी लिगेंड के साथ में यहाँ पर सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है ये नॉन आयनाइजेबल स्फीयर है ठीक है ये नॉन आयनाइजेबल स्फीयर है यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आइन ऐसे ही रह जाता है और जो आयनाइजेबल पार्ट है वो क्लोराइड आइंस है और एक कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर प्रेजेंट है टोटल यहाँ पर आयन सॉल्यूशन के अंदर कितने हो गए प्रेजेंट फोर आयंस ठीक है तो तीन क्लोराइड के जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर काउंटर आयंस प्रेजेंट थे यही तीन आयंस सिल्वर के आयन के साथ में मिलकर यहाँ पर थ्री मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड हमें सॉल्यूशन के अंदर देंगे समझ में आया अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स हम लोग लेते हैं अगर सेकेंड uh, कॉम्प्लेक्स की ऑब्जरवेशन देखो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हमने सी ओ सी एल थ्री इंटू फाइव एमोनिया और इसके साथ में यहाँ पर वन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर सोल्यूशन में लिया है ठीक है तो यहाँ इसका जो कलर है ये रोज़ कलर यहाँ पर कंपाउंड का मिलता है कितने मोल्स ऑफ एजीसीएल यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट होते हैं थ्री मोल्स यहाँ पर भी थ्री मोल्स प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स हमने सॉल्यूशन में लिया है कंडक्टिविटी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की कैसी है वन इजू थ्री इलेक्ट्रोलाइट ही यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो क्या हम यहाँ पर अभी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला जो है वो आ, इस कंपाउंड से बता सकते हैं अगर थ्री मोल्स ऑफ ए जी सी एल यहाँ पर हमें आ, वन मोल ऑफ कंपाउंड से मिला है तो तीन सी एल यहाँ पर इसमें भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होंगे लेकिन कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर सिक्स एमोनिया के लीगेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट थे यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में फाइव एमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा ताकि जो इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर इसका यहाँ पर मेंटेन रहे ठीक है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोबाल्ट जो है वो एमोनिया के सिक्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है फाइव मॉलिक्यूल्स के साथ ही फाइव कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल लेके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा जिसमें बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से तीन क्लोराइड आयंस जो है वो बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर टोटल आयंस हमें सॉल्यूशन में कितने मिलेंगे तीन क्लोराइड के जो कि यहाँ पर आइनाइजेबल पार्ट है और कॉम्प्लेक्स आयन का एक आयन यहाँ पर प्रेजेंट है तो टोटल तो 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 यहाँ पर कितने आयंस हमें सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगे फोर आयंस मिलेंगे ठीक है इसी तरह से यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स देखो अगर हमने यहाँ पर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स जो है वो सी ओ सी एल थ्री इंटू फाइव एमोनिया फाइव एमोनिया का कॉम्प्लेक्स लिया इसका जो कलर है यहाँ पर ये यह पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाता है इसमें यहाँ कितने मोल्स प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं केवल दो ही मोल्स यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं अब इसका मतलब क्या है कोबाल्ट ने तो अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करके रखना है जिससे यहाँ पर फाइव uh, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रहेंगे ठीक है और साथ में एक क्लोराइड आयन रहेगा लेकिन दो सीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आइनेजेबल पार्ट में प्रेजेंट होंगे जिसके कारण ये दो मोल्स ए जी सी एल के प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है ठीक है दो मोल्स ए जी सी एल के प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है किसके साथ में सिल्वर नाइट्रेट के साथ में तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है वो वन इज टू टू इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर बनेगा वन इज टू टू इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर बनेगा ठीक है अभी इसके अंदर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखो इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर इसमें कोबाल्ट के साथ में यहाँ पर एमोनिया के फाइव लिगेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है लेकिन साथ में क्लोराइड तीन प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोबाल्ट को अपनी सिक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करके रखना पड़ेगा ठीक है और बाकी के दो क्लोराइड आयंस जो हैं वो बाहर आ सकते हैं ठीक है जो कि दो मोल्स ऑफ ए जी सी एल के फॉर्म में यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हो गए टोटल आयंस यहाँ पर सॉल्यूशन में कितने मिले हमें इसके अंदर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आयन और दो क्लोराइड के आयन सॉल्यूशन में मिले हैं तो टोटल थ्री आयंस यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर हमें मिल रहे हैं ठीक है अभी यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कोबाल्ट का ही है कॉम्प्लेक्स में थ्री क्लोराइड आयंस के साथ में पोर एमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स देखते हैं जिसमें आ, सेम यही कंपोजिशन प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर इन दोनों के जो कलर है वो डिफरेंट है एक वॉयलेट कलर दे रहा है यहाँ पर और एक ग्रीन कलर दे रहा है अब आप कहोगे कि दोनों कंपाउंड्स अगर सेम है तो यहाँ पर ये यह अलग अलग कलर्स क्यों दे रहे हैं अलग अलग कलर्स किस लिए दे रहे हैं वो अभी देखते हैं तो वॉयलेट कलर जो यहाँ पर मिल रहा है वॉयलेट कलर वो कंपाउंड केवल एक ही मोल ए जी सी एल का प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है और ग्रीन वाला भी केवल एक ही मोल यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है ठीक है एक मोल ऑफ ए जी सी एल ही प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर बन रहा है वो वन इज टू वन का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर बना है ठीक है वन इज टू वन का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भी बना है तो सेम कंपाउंड सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सेम दे रहे हैं फर्क कहाँ पर है उसको देखते हैं फॉर्मूला कंपाउंड का क्या हो जाएगा इसके अंदर एक ही मोल यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हुआ है कॉर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिक्स कॉर्डिनेशन नंबर मेंटेन करने के लिए फोर तो एमोनिया के मॉलिक्यूल्स और दो क्लोराइड के आइन्स कॉर्डिनेशन स्फीयर में जाएंगे और एक क्लोराइड आयन बाहर यहाँ से जाएगा स्फीयर से ठीक है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एमोनिया के इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं फोर और सी एल दो प्रेजेंट है सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो गया एक सी एल यहाँ पर बाहर है इसी तरह से यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स भी जो प्रेजेंट है कोबाल्ट का कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स देखो एमोनिया के फोर सी एल टू अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और एक सी एल बाहर सेम सारी ऑब्जर्वेशनस यहाँ पर हमें दोनों कंपाउंडस की सेम मिल रही हैं ठीक है थीके? अभी यहाँ पर और टोटल नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में कितने कितने मिलेंगे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आयन ion, एक आयनाइजेबल क्लोराइड आयन तो ये भी यहाँ पर दो दो ही हमें कॉम्प्लेक्स का आयन और एक आयनाइजेबल काउंटर आयन मिल रहा है टू आइन्स टोटल सॉल्यूशन के अंदर मिल रहे हैं फ़र्क कहाँ पर है कंपाउंड के जो ये कलर अलग आए ये किस वजह से आए तो यहाँ पर जो कलर अलग आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि एक हमारे पास में यहाँ पर सिस आइसोमर बनेगा और एक ट्रांस आइसोमर बनेगा बात समझ में आ गई यहाँ पर एक जो है ये दोनों आइसोमर्स हैं इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर एक जैसी थी और इनमें से एक सिस आइसोमर बनेगा फोर एमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ठीक है अगर सेम साइड पर लाई करते हैं तो और सिस और अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लाई करेंगे यहाँ पर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स वो हम देखेंगे जब आइसोमेरिज्म करेंगे कैसे आइसोमर्स बनाते हैं एक और ट्रांस आइसोमर की वजह से यहाँ पर वॉयलेट और ग्रीन कलर के दो डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिले हैं इसके बाद एक ऑब्जर्वेशन जो आई नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में वो कोबाल्ट का ये थ्री क्लोराइड के साथ में थ्री एमोनिया के मॉलिक्यूल्स लेने पर एक नया कंपाउंड जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का हमें यहाँ पर कलर दे रहा था इसने यहाँ पर कितने आयन सॉल्यूशन के अंदर दिए इसने यहाँ पर केवल ऐसे का ऐसे ही कंपाउंड रह गया कोई भी इसने आयन सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिया अभी यहाँ पर क्लियर हो गया क्योंकि कोबाल्ट के पास में यहाँ पर टोटल सिक्स ही लिगेंड्स प्रेजेंट है छः के छः लिगेंड्स यहाँ पर क्वार्डिनेशन स्फीयर में जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ, यहाँ पर आयंस डिसोशिएट नहीं होंगे ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं बन पाएगा ठीक है यहाँ पर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जो कि आयंस में डिसोशिएट ही नहीं हो पाते तो यहाँ पर कोई आयन ही नहीं मिला यहाँ पर सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास में प्रेजेंट है ठीक है यहाँ पर केवल एक कॉम्प्लेक्स आयन ही प्रेजेंट है जिसके अंदर कोबाल्ट जो है थ्री एमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ में और थ्री क्लोराइड आयंस के साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है यहाँ पर टोटल आयंस जो सॉल्यूशन uh, के अंदर मिलेंगे वो जीरो होंगे तो ये वर्नर्स थ्योरी के कुछ कम्पाउंड हमने यहाँ पर पढ़े इसके अंदर हमने जो रिएक्शन देखी वो ये थी कि कोबाल्ट के, के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो AG, ए जी ए जी एनओ थ्री सिल्वर नाइट्रेट के साथ में यहाँ पर क्या बना रहे हैं कुछ डिफरेंट मोल्स ऑफ एक्स मोल्स ऑफ ए जी सी एल के फॉर्म में यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट होंगे जिससे कि हम यहाँ पर पहचानेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट जो है वो किस तरह का कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रेन में प्रेजेंट है ठीक है यहाँ पर किस तरह की कि उसकी जीमेट्री है लीगेंट्स कौन कौन से कॉर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होंगे ठीक है तो ये आ, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स जो है इसकी जोमेट्री यहाँ पर हमें पता चल रही है कॉम्प्लेक्स की इसमें लीगेंट्स कौन कौन से यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ठीक है ये रिएक्शन हमने अभी करके देखी अभी यहाँ पर जितनी भी हमने वर्नर्स थ्योरी के ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो भी कंपाउंड्स कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेज में देख रहे हैं उनके अंदर इस तरह के कंपाउंड्स हैं जैसे कि कोबाल्ट का ये वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें अमोनिया यहाँ पर फोर लीगेंट्स के साथ में और सी एल टू ये सिक्स लीगेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है और एक आयन यहाँ पर बाहर प्रेजेंट है ठीक है तो सिंपल यहाँ पर जो हम कुछ पॉइंट्स वर्नर्स थ्योरी से समझ पा रहे हैं वो क्या होंगे यहाँ पर कि वर्नर्स थ्योरी ने यहाँ पर बोला मेटल जो है वो यहाँ पर दो तरह की वैलेंसीज शो करते हैं ठीक है ये सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने करके देखी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन से फिर उन्होंने यहाँ पर वर्नर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टिट्स जो हैं, वो कि है मेटल कि यहाँ पर दो तरह की वैलेंसीज शो करते हैं कौन कौन सी दो तरह की वैलेंसीज यहाँ पर शो करेंगे एक तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर शो करेंगे प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर ये यह शो करेंगे और दूसरा यहाँ पर सेकेंडरी uh, वैलेंसी शो करेंगे प्राइमरी वैलेंसी का जो दूसरा नाम है यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी इनके दूसरे नाम क्या होंगे प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर आइनेजेबल वैलेंसी या प्रिंसिपल वैलेंसी आइनेजेबल वैलेंसी जो आइनजेबल वैलेंसी है वो आइनजेबल पार्ट से आ रही है काउंटर आइन से आ रही है यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या है यहाँ पर नॉन आइनेजबल वैलेंसी है जो कि आइनाइज नहीं हो पाई ऐसी वैलेंसी ठीक है नॉन आइनेजबल वैलेंसी तो ये दो तरह की वैलेंसीज हैं यहाँ पर इसमें प्राइमरी वैलेंसी को जो है वो हम यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी होगी जब हमारे पास में यहाँ पर मेटल जो हैं वो सिंपल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं मेटल्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं यहाँ पर सिंपल सॉल्ट्स बना रहे हैं ठीक है मेटल्स जो हैं वो सिंपल सॉल्ट्स बना रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर ये प्राइमरी वैलेंसी या आइनेजबल वैलेंसी को हम आजकल एक नई टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं वो क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी को ज़्यादातर हम जानते हैं ठीक है तो जो ये कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पर देखा इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी जो है कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर कितनी शो कर रहा है ये यह यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी शो कर रहा है वन ठीक है यहाँ पर इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है वन है यहाँ पर इस कॉर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर और भी अगर हम कुछ यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसीज के एग्ज़ाम्पल्स देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अलावा सिंपल सॉल्ट्स में अगर कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर देखें तो सिंपल सॉल्ट्स में कुछ एग्ज़ाम्पल्स कैसे हो सकते हैं जैसे कि प्लैटिनम टेट्रा हमने यहाँ पर एक सिंपल सॉल्ट लिया इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी प्रेजेंट है x माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्लैटिनम प्रेजेंट है ठीक है इसी तरह से मान लो कि यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया कोबाल्ट का कुबाल्ट्राई क्लोराइड यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी प्रेजेंट है x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो ये यहाँ पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट प्रेजेंट है ठीक है इसी तरह से मान लो कि अगर आ, हमने यहाँ पर एक सिंपल सॉल्ट में कॉपर सल्फेट लिया तो सल्फ़ेट तो माइनस टू के अंदर प्रेजेंट होता है और कॉपर जो है प्लस टू के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पर कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू के बराबर होगा यहाँ पर इसी तरह से ए जी सी एल ले लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ए जी सी एल के अंदर माइनस वन को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर कितना आएगा प्लस वन आएगा ठीक है ये प्लस वन Uh, तक यहाँ पर प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन ये यह सभी यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर प्राइमरी वैलेंसी बोली जा सकती ठीक है सेकेंडरी वैलेंसीज देखो क्या होती हैं सेकेंडरी वैलेंसीज जो हैं वो हम क्वाडिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आ, बोलते हैं जो मेटल आइटम या कटाइन जो है यहाँ पर लिगेंट्स के साथ में या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ में कॉर्डिनेशन फीयर के अंदर प्रजेंट होता है वो नंबर क्वारडिनेशन नंबर यहाँ पर सेकेंड्री वैलेंसी होता है ठीक है नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये पढ़ चुके हैं हम लोग सारी टर्म्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय द मेटल विद लिगेंड्स ठीक है कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हमारे पास में यहाँ पर बनेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो यहाँ पर कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है इसके अंदर इस कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम यहाँ पर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर जो है वो कितनी शो करी है इसने सेकेंडरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी सिक्स सिक्स जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया है यहाँ पर ठीक है सिक्स जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया यहाँ पर तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी uh, वैलेंसीज इस तरह का यहाँ पर पार्ट है जो कि नॉन आयनेजबल पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स आयन एस सच रह जाता है आगे जाके आयंस में यहाँ पर ये ब्रेक डाउन नहीं होता इसीलिए नॉन आयनेजबल पार्ट कहलाता है ये ठीक है इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर हम सेकेंडरी uh, वैलेंसीज के लिए देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास में कुछ कॉम्प्लेक्सेज हैं प्लैटिनम का ये कॉम्प्लेक्स है एमोनिया के साथ में फोर मॉलिक्यूल्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर यहाँ पर क्लोराइड के चार आयंस uh, प्रेजेंट uh, है ठीक है तो यहाँ पर सेकेंडरी uh, वैलेंसी जो है मेटल के टाइम कितनी शो कर रहा है इसके अंदर इसमें प्लाटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहाँ पर तो ये कल हमने कल की क्लास में देखा था कैसे यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आ, हमें यहाँ पर पता चलेगा एक्स प्लस फोर इंटू जीरो और ये माइनस फोर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस फोर के बराबर जो है ये आएगा ठीक है तो ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी प्लस फोर प्लाटिनम यहाँ पर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है ठीक है प्लाटिनम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है और फोर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर ये यह शो कर रहा है यानी फोर सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर ये यह शो कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी कितनी शो कर रहा है यहाँ पर प्लाटिनम फोर प्लस सेकेंड्री वैलेंसी कितनी शो कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो यहाँ पर ये यह, फोर शो कर रहा है ठीक है फोर फोर ही यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो कर रहा है ये यहाँ पर नॉन आनेजिबल पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर सेकेंडरी बैलेंसीज या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उनको डिफाइन किया जा सकता है समझ सकते हैं हम यहाँ पर इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितना भी लीगेंट चाहे न्यूट्रल है चाहे नेगेटिव लीगेंट है वो जितना भी प्रेजेंट होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी को यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा जो कि नॉन आइनेजिबल पार्ट बनेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ठीक है इस तरह से यहाँ पर ये यह जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लीगेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये यह यहाँ पर कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का अरेंजमेंट देते हैं ठीक है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है वो क्या होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होता है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम ठीक है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होगा यहाँ पर स्पेशियल अरेंजमेंट स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लीगेंट्स अराउंड द सेंट्रल एटम अराउंड द सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम के चारों तरफ यहाँ पर लिगेंड्स का अरेंजमेंट कैसा है वो यहाँ पर डिटरमाइन करेगा उसकी जियोमेट्री को जिसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी बोलते हैं ठीक है अगर सिक्स लीगेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो ऑक्टा हेड्रल हमारे पास में जोमेट्री होती है अगर फोर लीगेंट्स प्रेजेंट है तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्रा हेड्रल यहाँ पर होगी ठीक है स्पेशल अरेंजमेंट जो है यहाँ पर अगर इसके अंदर कॉर्डिमेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम फोर लीगेंट्स के साथ में अटैच है तो वो वहाँ पर टेटरा uh, हेड्रा में भी प्रेजेंट हो सकता है टेट्रा हीड्रल स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रेजेंट हो सकता है या फिर स्क्वेयर प्लेनर स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हो सकता है ठीक है ये दो ही पॉसिबिलिटी है अगर फोर लिगेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री बताता है सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर स्टीरियो uh, केमिस्ट्री की हमें इंफॉर्मेशन देता है स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बताता है ठीक है अभी यहाँ पर uh, हमने जो ये सभी कॉम्प्लेक्सेस करे थे ये कॉम्प्लेक्सेस का अगर मान लो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना है ये सभी कॉम्प्लेक्सेस का हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे हम इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर कैसे बनेगा कोबाल्ट का यहाँ पर ये यह कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के साथ में सिक्स लीगेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है सिक्स लीगेंट्स किस तरह से प्रेजेंट होंगे यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल जोमेट्री में प्रेजेंट होंगे इसको सॉलिड लाइन से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा और थ्री क्लोराइड आयंस जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर आ, किस तरह से प्रेजेंट है ये यह यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी में और आयनेजेबल पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये यह कितना यहाँ पर टोटल जो है लीगेंट्स प्रेजेंट है सिक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कि सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर बनाएगा और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में प्रेजेंट है और थ्री यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में ये थ्री जो है वो आइनाइजल पार्ट के अंदर प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में थ्री क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है ठीक है ये स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर इसका ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैसे दे सकते हैं तो ये वाला कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा जिसमें कोबाल्ट जो है अमोनिया के सिक्स लीगेंट्स uh, के साथ में थ्री प्लस क्वारडिनेशन स्फीयर पर चार्ज आ रहा है और सी एल यहाँ पर थ्री सी एल एज अ प्राइमरी वैलेंसी कोर्डिनेशन स्फीयर से बाहर काउंटर आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है अभी यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स uh, देख लेते हैं ये वाला सेकेंड कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पर ठीक है इस सेकेंड uh, कॉम्प्लेक्स uh, के अंदर वाटर मॉलिक्यूल uh, यहाँ पर प्रेजेंट है हम यहाँ पर uh, क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमने क्लोराइड uh, ही ले लिया मान लो ठीक है हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जिसमें कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स के साथ में एक सी एल एमोनिया के फाइव मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और टू क्लोराइड आयंस जो है वो काउंटर आयंस या प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में आयनजेबल पार्ट में बाहर प्रेजेंट है इसके अंदर यहाँ क्या स्ट्रक्चर होगा कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का तो फाइव एमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ठीक है ये आ, हमने यहाँ पर जो है फाइव एमोनिया uh, के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करा फाइव एमोनिया के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर फाइव एमोनिया के साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट था ठीक है यहाँ पर एक क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट था उस क्लोराइड आयन को हमने यहाँ पर ये क्लोराइड आयन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जो कि किसमें प्रेजेंट है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और एक यहाँ पर जो है वो आ, क्या देख रहे हैं हम दो क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये जो दो क्लोराइड आयन्स यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में प्रेजेंट है वो हमने यहाँ पर ये शो कर दिए दो क्लोराइड आयंस यहाँ पर ये प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया ना कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का ठीक है इसमें सॉलिड और डॉटेड लाइन जो दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कॉर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पर सिक्स वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट की मेंटेन हो रही है और प्राइमरी वैलेंसी टू यहाँ पर बाहर प्रेजेंट uh, है तो वो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमने ब्लू कलर की डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करी है और ये एक क्लोराइड आयन जो है कॉर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिक्स टोटल कॉर्डिनेशन नंबर बनाने के लिए प्रेजेंट है ठीक है ये uh, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स समझ में आया यहाँ पर तो सेकेंडरी वैलेंसीज जो है यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बता रही है कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस के लिए ठीक है एक और कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पर और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर कोबाल्ट जो है यहाँ पर टू क्लोराइड के लीगेंट्स के साथ में एमोनिया के फोर लीगेंट्स uh, के साथ में कोऑर्डिनेशन फीयर के अंदर सिक्स सेकेंडरी वैलेंसीज को मेंटेन किया हुआ है सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन किया हुआ है और एक क्लोराइड आयन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन फीयर से बाहर है तो कोबाल्ट यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर शो करेगा तो कुबार्ट ने यहाँ पर टोटल फोर एमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ में यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है ठीक है ये तो यहाँ पर टोटल फोर एमोनिया के मॉलिक्यूल्स हो गए फोर एमोनिया के मॉलिक्यूल्स साथ में क्लोराइड आयन यहाँ पर किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये सेकेंडरी वैलेंसी में प्रेजेंट है ठीक है यहाँ पर हमने इसको जो है दो क्लोराइड आयन को सेकेंडरी वैलेंसी के फॉर्म में यहाँ पर शो करा ये यह यहाँ पर सेकेंडरी बैलेंसेस के फॉर्म में क्लोराइड प्रेजेंट है एक क्लोराइड यहाँ पर ये यह काउंटर आयन के फॉर्म में बाहर प्रेजेंट है ठीक है एक क्लोराइड को यहाँ पर काउंटर आयन के फॉर्म में बाहर रिप्रेजेंट करा तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो रहा है स्ट्रक्चर इस तरह का होगा क्लोराइड आयन यहाँ पर काउंटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है ये यह यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स uh, देखो यहाँ पर इसमें कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है कोबाल्ट थ्री क्लोराइड आयंस एमोनिया के थ्री लिगेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है यहाँ पर स्ट्रक्चर uh, क्या होगा कोबाल्ट का कोबाल्ट के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर भी uh, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो तीन तो एमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और तीन ही यहाँ पर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, है ना तीन ही यहाँ पर क्लोराइड आयंस कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स मेंटेन करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है ये तीन क्लोराइड आयंस हो गए यहाँ पर और तीन एमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए तीन यहाँ पर एमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या पता चलता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सेकेंडरी वैलेंसीज हमें क्या बताती हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा होना चाहिए सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बता देती है स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर बताती है ठीक है अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कैसे हमने यहाँ पर दोनों वैलेंसी से आइनेजेबल नॉन आइनेजेबल पार्ट एक्सप्लेन किया स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर बता सकते हैं वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ठीक है इसके बाद यहाँ पर हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेसिपिटेट आउट होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो भी देखा अभी यहाँ पर हम जो है कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस के लिए ठीक है यहाँ पर आ, कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस के देखते हैं तो आ, ये देखो यहाँ पर पहला जो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं इसमें प्लेटिनम का ये फोर क्लोराइड लिगेंड्स के साथ में और सिक्स एमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ में यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है फॉर्मुला कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके अंदर प्लेटिनम जो है यहाँ पर वो एमोनिया के सिक्स लीगेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है और फोर क्लोराइड आयंस जो है वो बाहर प्रेजेंट होंगे ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स को मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये सिक्स अमोनिया के लीगेंट्स प्रेजेंट होंगे तो आयंस यहाँ पर जो बनेंगे वो आयंस हमारे पास में कैसे बनेंगे सॉल्यूशन हमें किस तरह के कि आयंस देगा एक आयन तो हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा कैसा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन पर कितना चार्ज होगा ये फोर क्लोराइड आयन को बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर फोर प्लस चार्ज आएगा तो एक कॉम्प्लेक्स आयन हुआ और फोर क्लोराइड के आयन्स हमें यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर मिले टोटल नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर कितने मिल रहे हैं यहाँ पर फाइव ठीक है इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्लैटिनम का देखो प्लैटिनम के इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर फाइव एमोनिया के मॉलिक्यूल्स और फोर क्लोराइड आयन्स यहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर ये यहाँ पर प्लेटिनम जो है वो सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करने के लिए एक क्लोराइड और फाइव एमोनिया के मॉलिक्यूल्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखेगा और बाकी बचा हुआ क्लोराइड आयन यानी थ्री क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आइनेसिबल पार्ट में प्रेजेंट होगा जो नंब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे या किस तरह के कि हमें यहाँ पर आयंस मिलेंगे प्लेटिनम का ये कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पर मिल रहा है ठीक है ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन हमें यहाँ पर मिला और क्लोराइड आयंस मिले टोटल नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर हमें यहाँ पर कितने मिल गए टोटल आयंस यहाँ पर फोर मिल गए सॉल्यूशन के अंदर ठीक है समझ में आ रही है ये बात इसी तरह से मान लो कि एक आ, हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स देखा है प्लैटिनम के फोर क्लोराइड आयंस के साथ में टू एमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है बताओ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा प्लैटिनम का तो सिक्स तो हमें यहाँ पर मेंटेन करने के लिए सारे के सारे लिगेंड्स को कॉर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लाना होगा ठीक है अगर यहाँ पर सारे लीगेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में ही रह जाएगा यहाँ पर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट रह जाएगा ठीक है आयंस में यहाँ पर ये डिसोशिएट ही नहीं होगा नो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में ही रह जाएगा और कितने आयंस हमें सॉल्यूशन के अंदर मिल रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल है हमें यहाँ पर कोई भी आयन सॉल्यूशन uh, के अंदर नहीं मिलेगा जीरो ठीक है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो डिकम्पोज नहीं करते हैं आयंस में तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये प्लाटिनम के कुछ कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करके नंबर ऑफ आयंस जो है उनको पहचाना कितने हो सकते हैं यहाँ पर और कैसे मिलेंगे अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी वर्नर्स थ्योरी की लिमिटेशन क्या हैं ये क्या सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए यहाँ पर या यहाँ पर कौन सी जो थी चीज़ें वो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए या फिर नहीं कर पाए तो लिमिटेशंस में सबसे पहले तो यहाँ पर वर्नर्स थ्योरी जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कुछ ही एलिमेंट्स यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि आज हम यहाँ पर जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं ठीक है लेकिन इन्होंने ये यह चीज यहाँ पर नहीं बताई थी ओनली सर्टेन मेटल्स ओनली सर्टेन मेटल्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो कुछ ही कंपाउंड्स यहाँ पर जो बन रहे हैं वो यहाँ पर कुछ मेटल्स ने बनाए हैं लेकिन यहाँ पर क्यों बनाए हैं उसके बाद दूसरा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री किस वजह से आ रही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जब हम यहाँ पर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? ये हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ज्योमेट्री देखी ना ये वाला जो हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ज्योमेट्री देखी थी तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो ज्योमेट्री आ रही है यहाँ पर उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिक्स वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को मेंटेन करके रख रहा है और इसकी जोमेट्री एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री आ रही है यहाँ पर ऑक्टा हेड्रल जोमेट्री आ रही है या टेट्रा हेड्रल आ रही है या स्क्यर तो प्लेनर आ रही है तो क्यों आ रही है डेफिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर ये क्यों शो कर रहा है ठीक है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पर्टिकुलर ज्योमेट्री यहाँ पर ये क्यों शो कर रहा है पर्टिकुलर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थर्ड यहाँ पर जो लिमिटेशन शो कर रहा है वर्नर्स थ्योरी वो ये है कि इन्होंने मैग्नेटिक uh, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कंपाउंड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस वजह से शो होती हैं या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है कंपाउंड किस वजह से शो करता है ठीक है ये इनके यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स थे लिमिटेशंस